सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम सोचते हैं अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है और बेहतर हो सकती थी। परेशानियों से चिंतित हो जाते हैं, तनाव में घिर जाते हैं और अपनी आत्मा को मन ही मन झकझोरते रहते हैं, दुखी रहते हैं। एक वक्त की बात है, किसी ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी और दो शब्द उन्होंने कहे थे जो मुझे लगता है लाइफ में जीने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है। वो शब्द थे चेंज और एक्सेप्ट। लाइफ में अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ हमें मिलती हैं और संभव है जैसी परिस्थिति हम सोचते हैं, जैसी परिस्थिति हम चाहते हैं, जितनी खुशियां हम चाहते हैं, हमारी सोचने से वो परिस्थिति हमेशा हमें मिल जाए ऐसा संभव नहीं होता। होता तो वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। और एक बहुत ही फेमस पंक्ति भी है कि अगर आपका चाहा आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर आपका चाहा आपको ना मिले तो और भी अच्छा, क्योंकि वो जो आपको मिलेगा वो आपकी नहीं, वो ईश्वर की रजा है। तो ऐसी कुछ मोटिवेटिंग लाइंस हैं जिनको आप सुनिए, मनन कीजिए, तो आपको जीवन के लिए एक सकारात्मक पहलू क्रिएट होगा। लाइफ की जो परिस्थिति है, सभी के साथ अलग अलग परिस्थिति आती है, घर परिवार की, करियर की, बिजनेस की, इमोशनल लेवल पे परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। हम उनसे कई बार फेस करना सीख जाते हैं, कई बार नहीं सीखते। अगर हमें पसंद नहीं आती तो वो विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उससे क्या होगा, हमारे मन में जो विचार दौड़ रहे हैं उससे क्या अगले व्यक्ति का बुरा हो जाएगा? और बुरा हम चाहेंगे भी क्यों, वो परिस्थिति ठीक हो जाएगी? परिस्थिति तो ठीक होगी नहीं, पर उन विचारों को आपके मस्तिष्क में दौड़ाने से आप अपनी एनर्जी उन विचारों में लगा रहे हैं, बल्कि कि अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए, भविष्य के लिए कुछ करने के लिए, या समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो बेटर होगा आप एक प्रयास कर लें उस परिस्थिति को बदलने का, दो प्रयास करें, तीन प्रयास करें, समझाएं, तरीके से उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप बदल पाते हैं, आपके प्रयास सफलता देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर परिस्थिति वैसी ही बनी रहती है और आपको उस परिस्थिति में सर्वाइव भी करना है, तो उन व्यर्थ की बातों पे चिंतन करने के बजाय कि ये परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है फिर भी मैं रह रही हूँ, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है फिर भी मैं इसमें रह रही हूँ, उस चिंतन को करने के बजाय आप जैसी परिस्थिति है उसमें खुश रहना सीखिए और प्रयास ये कीजिए कि इस परिस्थिति को और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जाए, बजाय कि उसकी टेंशन लेने के या उसके स्ट्रेस को फील करने के। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ में। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।